नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय वॉइस। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। आपने देखा होगा जब भी छात्रों पर अत्याचार होता है तो मैं हमेशा खड़ा मिलता हूं, चाहे वो भाषा विश्वविद्यालय हो, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो या फिर अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से छात्रों पर लाठीचार्ज की गई, उनके सर फट गए, उन पर गोलियों का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस गोले का इस्तेमाल किया गया, ये देख कर के आपकी रूह भी ज़रूर कांपी होगी। ज़रा अगर नहीं कांपी तो उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था और आज उनकी वीडियोस न्यूज़ चैनल पर चल रही है, उनके सर से लहू बह रहा है। आखिर क्या समस्या है छात्रों से? कुछ लोग कहेंगे कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई है या उनके जो सर फटे हैं वो सही हुआ है, लेकिन जरा सोचिए उनकी गलती मात्र इतनी सी थी कि उनके विश्वविद्यालय में 400% यानी कि लगभग दोगुनी चौगुनी फीस बढ़ा दी गई, जिसको लेकर के जुलाई 2020 से धरना चल रहा था, जिसको लेकर के सदन में भी आवाज़ उठाई जा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सदन में आवाज़ उठाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के आवाज़ उठाई, लेकिन सरकारों को इन विश्वविद्यालयों से जने क्या परेशानी है ये तो वो ही बता सकते हैं। जिस प्रकार के ये चीज़ें की जा रही हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कुछ लोग खुश होते थे जब जामिया मिलिया और JNU पर लाठी चार्ज होता था, उन लोगों को लगता था कि ये इन पर हो रहा है, हमारी बारी नहीं आएगी। वहीं अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर ना तो विपक्ष कुछ बोलने के लिए तैयार है और सत्ता पक्ष का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो करा रहे हैं वो तो वही लोग हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति है, अगर उनकी कोई बातें नहीं मानता है तो वहाँ बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर बुलडोज़र से नहीं माना तो वहाँ पर बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जब लोगों की जान पर आती है तो लोग डर के मारे मान जाते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सदन के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव रास्तों पर मैगी खा रहे हैं, लेकिन इतनी जहमत नहीं उठाते कि जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लाठी चार्ज हो रहा है क्या वहाँ एक बार जा पाते। एक बात याद रखिए, अगर सत्ताधारी पक्ष को टिकाना है, सत्तारूढ़ पार्टी की तानाशाही खत्म करनी है, तो वहाँ का विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो वहाँ सत्तारूढ़ पार्टियाँ तानाशाही शुरू कर देती हैं, और यही उत्तर प्रदेश में इस समय हो रहा है कि किस प्रकार से लोग छात्र पीटे जा रहे हैं। वहीं IIMT विश्वविद्यालय में भी हाल ही में एक साथ कई छात्रों की बैक लगा दी गई, लगभग 90% छात्र फेल कर दिए गए, हंगामा हुआ, तमाम चीज़ें हुई, लोग छात्र जो हैं वो गुस्से में थे, युवा हैं, और जब उनकी बैक लगा दी जाती है, भविष्य की बात आती है तो लोग बिलबिला उठते हैं। तमाम प्रकार की बातें हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, जिसको लेकर के अब पुलिस प्रशासन आक्रामक हो गया है, बुलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, आगजनी होनी शुरू हो गई है, ये एक बड़ा रूप लेती जा रही है। लेकिन क्या होगा क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या छात्र अपने धरने को जारी रखेंगे या फिर पुलिस प्रशासन के इस इधड़ भपकी से डर जाएंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय वॉइस।